भाई अब ये जुमला तुम्हें याद रखोगे, अल्लाह की मशीयत है, उसने चाहा बना दिया, अब जैसी चाह होगी वैसी मखलूक होगी। तो अब मुल्ला जो एतराज कर रहा है वो जाते मोहम्मद पे एतराज नहीं है, मशीयत खुदा पे एतराज है। अजीब अजीब मरहला फिक्र है कि कुरान तो मदा करे रसूल अरबी की और मुल्ला रसूल अरबी में आयत तलाश करता फिरे। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत पेश करूं। कल मैं कह रहा था कि कहते हैं कि जादू का असर हो गया, है ना, जादू का असर हो गया, मीडिया से कहते हैं, अखबारों में लिखते हैं कि मेरे मोहम्मद पर, मेरे नबी पर जादू का असर हो गया। कल जाते मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि फिर इसका मतलब यह है कि तुम्हारे नबी से तो मूसा का डंडा अच्छा था जो जादुओं को खा गया। तो ये भाई तवज्जो रे, तो रसूल को सेहर ज्यादा समझ रहा, जादू के असर में समझ रहा, ये कोई नई थ्योरी नहीं है। सूरह फुरकान 25वां सूरह कुरान मजीद का और उस सूरह की 8वीं आयत तबील सिलसिला है, पूरी आयत नहीं पढ़ूंगा। काल लजीना कफरू से शुरू होती है कि काफिर मोहम्मद के लिए ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं, ठीक है ना। अब उसका आखिरी टुकड़ा सुनना, वह काल जालिमून, ये काफिर जो जालिम भी है ये मुसलमानों से कहते हैं, इन तत्तबेउना इल्ला रजुलन मसूरा, तुम जो पैरवी कर रहे हो तो ये सीधा साधा अकलमंद इंसान नहीं है, ये जादू के असर में है। काफिर कह रहा है कि मोहम्मद जादू के असर में। अब मुल्ला कब तक काफिरों के अकीदे की तबलीग करता रहेगा। अजीब मरहला फिक्र है जहां मैं अपने सुनने वालों को लेके आ गया। ये आयने मशीयत इलाही है, कुन तो कंदन मफिया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, कुन तो कंदन मफिया, मैं जरा समझ लो मकामे मोहम्मद अरबी को। फिर दो रिवायतें पेश करूंगा और ये रिवायतें पहुंच जाए फिर मैं कुरान की तरफ वापस जाऊंगा। कुन तो कंदन मफिया फअहबब तो अन उरफ, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। फखलकतुल खल्क लकाय उरफ, तो मैंने मखलूक को खल्क किया ताकि मैं पहचाना जाऊं, ठीक है ना। कुन तो कंजन मखफिया, ये मेरे अल्लाह का कौल है। कुन तो कंजन मखफिया, मैं खजाने मखफी था और अब मेरे नबी ने आवाज दी, कुन तो नबीयन। कुन तो नबीयन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि अभी आदम का पुतला बना नहीं था। अब बुल्ला को मौका मिल गया, कहने लगा उस वक्त नबी नहीं थे, इल्मे इलाही में नबी थे। भाई देखो मेरा यह जुमला जाया ना होने पाए, क्या कहा मुल्ला ने, वाकई नबी नहीं थे, इल्मे इलाही में नबी थे कि एक दिन नबी बनाए जाएंगे। तो भाई अगर ये इल्मे इलाही की बात कर रहे हो तो इल्मे इलाही में तो तुम भी गुमराह कुन मुल्ला थे। नहीं, इल्मे इलाही की बात नहीं हो रही है, कुन तो नबीयन, मैं नबी था, आदम का पुतला नहीं बना था, और नबी हो नबुवत न करे मुमकिन नहीं है। समझ रहे हो ना बात को, जरा बात मैंने बड़ी नामालूसी शुरू की है लेकिन नतीजे तक पहुंचता है, नबी हो और नबुवत न करे मुमकिन नहीं है। अब बताऊं, आज मेरा जी चाह गया कुछ रिवायतें तुम्हें हदिया करता जाऊं। पैगंबर अकरम फरमाते हैं कि कुन्ना नूरन मुतबकन बायदिल्लाह, हम एक नूर की सूरत में अर्श इलाही के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे कि इतने में अल्लाह ने फरिश्तों को खल्क किया। जब फरिश्तों को खल्क किया तो इस्तअज़मु अमरना, फरिश्तों ने जो हमारे नूर को देखा तो हमें रब समझा। भाई फरिश्ते की निगाह निगाहे इस्मत है, धोखा नहीं खाती, लेकिन इतने करीब थे कि उन्हें भी धोखा हो गया। समझ रहे हो ना बात को,
अच्छा भाई रुके रहो रुके रहो, जरा आराम आराम से सुनो, जिस तरीके से आज बोल रहा हूँ ना वजह सुनो। हम नूर की सूरत में अर्शे इलाही के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, जब हम चक्कर लगा रहे थे तो फिर इतने में फरिश्ते खल्क हुए, जब फरिश्ते खल्क हुए तो फरिश्तों ने हमें देखा, इस्ताज़मु अमरना, और वो हमें रब समझने लगे। फरिश्तों ने कहा नहीं है, समझने लगे। अच्छा तो कहा नहीं, दिमाग में है, दिल में। ये मोहम्मद को कैसे पता चल गया? तो फरिश्ता आलिमुल गैब मानता है, तुम मानो या ना मानो। समझ रहे हो? अजीब अजीब गरीब पर हल है, फिक्र है ना। अच्छा भाई सुनते जाओ सुनते जाओ, इसलिए ये रवायत तवील है और मैं इसका सिर्फ पोर्शन नज़ करूंगा, फिर जाऊंगा मकामे मोहम्मद की तरफ। अच्छा तो जब हमने ये देखा, पैगंबर फरमाते हैं कि फरिश्ते हमें रब समझने लगे हैं, तो सब्बहना फसब्बहतिल मलाइका, हमने अपनी जबान से कहा सुभान अल्लाह, ताकि अल्लाह पहचाना जाए। जब हमारी जबान से निकला सुभान अल्लाह तो फरिश्तों ने कहा सुभान अल्लाह, हल्लल्लाह फहल्लल्लतिल मलाइका, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फरिश्ते बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फरिश्तों को कलमा सिखलाया है मेरे मोहम्मद ने, फरिश्ता मेरे मोहम्मद का उस्ताद नहीं है। वैसे तो पहुंच रहा है ना। अच्छा और अब उसी रवायत का टुकड़ा, उसी रवायत का टुकड़ा है, कहीं और से नहीं पढ़ रहा हूं मैं, हवाला दे चुका तुम्हारे शहर में उर्दू जबान में यह किताब तर्जुमा हो चुकी है, तुम चाहो तो इस रवायत को उसके अंदर देख सकते हो। इतने में अर्शे इलाही से आवाज आई, जिब्रील सामने खड़े, अर्शे इलाही से आवाज आई, मनाना ममनत, बोल मैं कौन हूं तू कौन है। जिब्रील घबरा गया, बोल मानाना वमानंत, अल्लाह कह रहा है मैं कौन हूं तू कौन है। जिब्रील घबरा गया। इतने में रसूल कहते हैं, इतने में मेरे भाई अली का नूर आगे बढ़ा और उसने जिब्रील से कहा, कह दे अंतर रब्बुल जलील व अनल अब्दुल जलील व इस्मी जिब्रील, तू रब है मैं बदला हूं और मेरा नाम जिब्रील है, नाम भी अली ने रखा है किसी और ने नहीं। मैं आज तक मुसलमानों के अकीदे में दोहरे मेयार को समझ नहीं सका कि वो फरिश्ता जो इल्म में आदम जैसे छोटे नबी से हार जाए वो मोहम्मद का उस्ताद कैसे बन गया। ठीक है ना भाई, सुनते जाओ, इसलिए कि आप मुझे रुकना नहीं है इस मरहले पर। भाई तौहीद तौहीद, तीन रिवायतें मैंने वादा किया था करूंगा, तो अब तीसरी रिवायत सुनो। पहली तौहीद, कुंतो कंजन मखफिया, कुंतो कंजन मखफिया तौहीद, कुंतो नबीयन व आदम व बैनल माए व तीन नबूवत, दो कुंतो हो गए और अब इमामत, मन कुंतो मौला।